वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गीता स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर. हमारे लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था, एल्गी के अंदर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका. प्रोकैरियोटिक केवल साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, जबकि बाकी सारी क्लासेस के अंदर, बाकी सारी एल्गी के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है. आज हम इसी यूकैरियोटिक सेल का अध्ययन करेंगे कि एल्गी में किस प्रकार की यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, उसकी संरचना कैसी होती है, और स्पेशली हम बेस बना के चलेंगे क्लोरोफाइसी को. क्लोरोफाइसी में भी क्लेमाइडोमोनास को हम आधार बनाते हुए यूकैरियोटिक सेल का अध्ययन करेंगे. यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर की एक सुसंगठित केंद्रक और कोशिका अंग पाए जाते हैं, और ये केंद्रक और कोशिका अंग चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए रहते हैं. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक चिकनी पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है. ये सेल वॉल कोशिका को एक शेप देती है, एक आकार देती है. यह कोशिका है, बेसिक प्लांट सेल है, जिसके अंदर की हम देख सकते हैं ये सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल, उसके बाद ये अंदर सेल मेम्ब्रेन, या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, और ये बीच में पूरा साइटोप्लाज्म है. इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये गॉल्जी, ये बीच में, ये साइड पे जो है पेरिफ्री के ऊपर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दोनों तरह की हैं. ये माइट्रो क्लोरोप्लास्ट है, गॉल्जी बॉडी, माइट्रोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे क्रिस्टल. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको. ये एक क्लेमाइडोमोनास है. क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी का मेंबर है, और इसकी कोशिका को हम आधार मानते हुए यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करेंगे. आप देखें ये एक पियर शेप सेल होती है, नाशपति के आकार की कोशिका है. इसके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं और दोनों फ्लैजिला की लंबाई बराबर होती है. यहाँ पर ये कटा हुआ फ्लैजिला दिखाई दे रहा है ताकि अंदर की संरचना दिखाई दे सके. उसके नीचे दो बेसल बॉडीज पाई जाती हैं. इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई स्पॉट, पायरिनॉइड, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, थाइलेकॉइड्स, ये सब सेल के अंदर पाए जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हो एक कप के आकार का होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. इसकी ल्यूमन के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब हम वन बाय वन हर पार्ट का अध्ययन करेंगे. तो सबसे पहले सेल वॉल. सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, यानी कि डेड होती है. एक दृढ़ संरचना होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है. सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट को कवर करके रखती है. प्रोटोप्लास्ट में मेनली सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म आता है. ये सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स और पैक्टिन की बनी हुई होती है. ये मुख्यतः दो भागों में विभक्त होती है, दो लेयर्स के अंदर पाई जाती है. बाहर की लेयर जिसको हम मिडिल लैमेला कहते हैं, वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है और वो आसपास की कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखती है, और अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है. ये आप स्ट्रक्चर देखो, ये है सेल वॉल का स्ट्रक्चर. बाहर की तरफ ही मिडल लैमेला है और ये सेल वॉल है. ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी हुई है, बीच बीच में ये पैक्टिन प्रेजेंट है. जबकि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो येल्लो कलर का पार्ट है, ये मिडल लैमेला का पार्ट है. इसी पार्ट के कारण हर कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और बीच में ये जो लाइनिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये प्लाज्मोडेस्मेटा है. ये छिद्र है जिसके कारण एक कोशिका का साइटोप्लाज्म दूसरी कोशिका से कॉन्टैक्ट में रहता है, और ये अंदर की तरफ ग्रे कलर का जो पार्ट है ये सेल वॉल है. तो सेल वॉल का अंदर का हिस्सा है, यानी कि जो कि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना हुआ है. ये ग्रे पार्ट जो है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना हुआ है, ये मिडल लैमेला है. तो ये एक पूरी कोशिका है और ये अंदर की तरफ पूरा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है. नॉर्मली सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, लेकिन कुछ क्लासेस के अंदर
सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के अलावा भी कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि फियोफाइसी जो क्लास है इसके अंदर एल्जीनिक एसिड, फ्यूकॉइडिन, फ्यूसिन, हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से रोडोफाइसी के अंदर सेल वॉल के अंदर पैक्टिन प्रेजेंट होता है, कैरोफाइसी के अंदर सेल वॉल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और डायटम्स के अंदर सिलिका भी उपस्थित होती है। और युगलीना, जिम्नोडिया, पैरामिमनोस, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, केवल पेलिकल पाई जाती है जिसको हम पेरिप्लास्ट भी कहते हैं। हमने पहले भी एक लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और वो चारों तरफ पेरिप्लास्ट से घिरी हुई रहती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर हमने देखा कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और माइक्रोफाइब्रिल यानी कि सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं सेलुलोज के, जो कि 30 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन तक मोटे होते हैं। ये सेल वॉल, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सेल वॉल के कार्य क्या है। सेल वॉल एक तो सेल को शेप देती है, दूसरा इसके अंदर जो प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं, जो छिद्र प्रेजेंट होते हैं कोशिका भित्ति में, उन छिद्रों के कारण एक कोशिका का साइटोप्लाज्म दूसरी कोशिका के कांटेक्ट में रहता है। ये सेल वॉल इसके अलावा कोशिका को किसी भी तरह की बाहरी इंजरी से, बाहरी चोट से बचाती है और किसी भी तरह के पैथोजेंस अगर आते हैं, मतलब रोग कारक जो भी होते हैं उनसे भी ये सेल की सुरक्षा करती है। सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है जो कि मेनली सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स का बना होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या उसको हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, लिविंग होती है और पतली भित्ति होती है। ये सेल की अंदर और बाहर को बीच में पाई जाती है, तो बाहर से और अंदर में कांटेक्ट नहीं रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है। इनकी दो लेयर्स होती हैं और फास्फोलिपिड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। इसमें से बाहरी और अंदर की जो भित्ति है वो प्रोटीनेशियस होती है, जबकि इन दोनों भित्तियों के बीच में, इन दो लेयर्स के बीच में सैंडविच के रूप में लिपिड पाया जाता है। आउटर और इनर लेयर प्रोटीन की होती है और इन प्रोटीन लेयर के बीच में सैंडविच के रूप में लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखा था। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर एक जैसी ही होती है। सेल वॉल भी करीब, सेल वॉल में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होते हैं। वहां पर म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यहाँ पर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम फंक्शन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। कुछ चीज़ों को ये अपने अंदर से पास करने होने देती है, कुछ मटेरियल को ये पास नहीं होने देती है। ये सेल की किसी भी तरह के शॉक और इंजरी से सुरक्षा करती है और मॉलिक्यूल्स इसके कारण एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। ये सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसके अंदर बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं। मेन कोशिका अंग जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, पायरिनॉइड, आई स्पॉट, फ्लैजिला, वैक्यूल्स। अब हम इनका वन बाय वन अध्ययन करेंगे। ये फिर एक सेल का स्ट्रक्चर है और देखना चाहो तो आप, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है आपको, दानेदार है, इसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस, ये वैक्यूल और ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के, ये ब्राउन कलर के माइटोकॉन्ड्रिया, ये गॉल्जी बॉडीज। तो ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द मेन ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। कोशिका का एक मुख्य अंग है न्यूक्लियस। ये जनरली सेल की पेरिफ्री के ऊपर पाया जाता है, एक साइड पे पाया जाता है और इसका साइज एक
माइक्रॉन, एक म्यू माइक्रॉन से 80 म्यू माइक्रॉन तक होता है। यह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर सभी तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस उपस्थित रहती हैं। इसीलिए इसको हम न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। न्यूक्लियस सभी तरह की यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस कई पढ़ने के लिए हम, न्यूक्लियस का अध्ययन करने के लिए हम इसको दो या तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो भित्ति पाई जाती है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस को घेर के रखता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना हुआ होता है। डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाई जाती है उसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो बाहर की भित्ति होती है, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है इसकी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती है, और जबकि अंदर की मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अंदर न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है और ये राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए एक्टिव साइट होती है, यानी कि न्यूक्लियोलाई के ऊपर ही आरएनए का सिंथेसिस होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर, एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियोलाई की संख्या अलग अलग होती है। ये न्यूक्लियोलाई या केंद्रिका हम बोलते हैं इसको, केंद्रिका आरएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है और संरचना के आधार पर न्यूक्लियोलाई जनरली, संरचना के आधार पर कह सकते हैं या नंबर्स के आधार पर न्यूक्लियोलाई चार तरह की होती हैं। एक तो वो न्यूक्लियस चार तरह के होते हैं, एक जिनके अंदर की एक न्यूक्लियोलाई पाई जाती है, कई बार एक न्यूक्लियस के अंदर दो या अधिक न्यूक्लियोलाई होती हैं, कई बार बहुत सारा न्यूक्लियर मास होता है वो इकट्ठा हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और कई बार बहुत छोटी छोटी न्यूक्लियोलाई एक साथ इकट्ठी होकर के एक लाइन के अंदर उपस्थित होती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्रोमेटिन्स के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी उपस्थित होते हैं। डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में होता है और क्रोमोसोम्स छोटे बड़े गोल कई तरह के होते हैं, धागे नुमा इलांगेटेड होते हैं, जैसे धागे नुमा होते हैं ऑर्डोगोनियम के अंदर, और इनका साइज भी 0.25 माइक्रॉन्स से भी कम होता है और यदि ज्यादा होता है तो 12 माइक्रोन तक भी हो सकता है। हर क्रोमेटिन के ऊपर एक कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसको कि हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। सेंट्रोमेयर पोजीशन के आधार पर चार तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। मेटासेंट्रिक, जहां पर कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल क्रोमोसोम्स के सेंटर में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स की दोनों भुजाओं के सेंटर में पाया जाता है। सब मेटासेंट्रिक, जबकि सेंट्रोमेयर दोनों भुजाओं के एक साइड बीच में, मतलब सेंटर में नहीं होता बल्कि एक साइड पे होता है थोड़ा सा, तो एक एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। एक्रोसेंट्रिक, इसके अंदर एक भुजा बहुत बड़ी और एक भुजा बिल्कुल छोटी सी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा किनारे पे एक्रोसेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमेयर उपस्थित होता है। टीलोसेंट्रिक के अंदर क्रोमोसोम्स की दोनों भुजाएं एक साथ से जुड़ जाती हैं और बिल्कुल एक किनारे के ऊपर सेंट्रोमेयर उपस्थित होता है। एल्गी के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या में भी बहुत वेरिएशंस पाए जाते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स की संख्या n=2 पोरफायरा के अंदर पाई जाती है और मैक्सिमम संख्या 592 यानी कि 592 नेट्रियम के अंदर पाई जाती है। फंक्शंस, क्रोमोसोम्स के फंक्शंस हम सब जानते हैं कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिए होते हैं जो कि डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होने या सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होने हैं, बेशक वो रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रिप्रोडक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उन सब की इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होती है। ये अब हम देखेंगे डिटेल में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, दो लेयर्स के अंदर दिखाई दे रहा है, ये बीच में पोर है न्यूक्लियर पोर, और ये बाहर की भित्ति है, ये अंदर की भित्ति है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये क्रोमेटिन्स, धागे नुमा संरचना है क्रोमोसोम्स की,
और ये बीच में न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये भी एक न्यूक्लियस। इसमें आप देख सकते हो एक सेक्शन काट के दिखाया गया है कि ये बाहर की तरफ छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर की भित्ति, ये अंदर की भित्ति, ये बीच में न्यूक्लियोलस और ये क्रोमोसोम्स। यहाँ पर भी अब इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस बीच में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये धागेनुमा संरचना है, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स हैं, बीच में ये केंद्रिका है और ये बाहर की तरफ जो बाहर की भित्ति है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस जुड़ी हुई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हैं दो तरह की दिखाई दे रही है, ये चिकनी स्मूथ और ये दानेदार जिसके ऊपर की राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये तो था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, बाकी के कोशिकांग जिनका अध्ययन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।